हम में से अधिकतर लोग हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन का इस्तेमाल करते हैं और शहरों में ये आम बात है। हाथ धोते हुए आपको वॉश बेसिन में एक अतिरिक्त छेद जरूर दिखाई देता होगा। क्या आपने कभी सोचा है आखिरकार वॉश बेसिन में ये छेद क्यों होता है? अक्सर हमारे बाथरूम में वॉश बेसिन का पाइप बालों के गुच्छे या शैम्पू के पाउच आदि के कारण जाम हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई वॉश बेसिन का नल बंद करना भूल गया है और घर से बाहर चला गया है, ऐसे में पानी वॉश बेसिन से ओवरफ्लो होकर पूरे बाथरूम में भर जाएगा और शायद पूरे घर में भी। लेकिन यदि यह छोटा सा छेद आपके वॉश बेसिन के अंदर बना हुआ है तो पानी इसके रास्ते नाली में बह जाएगा। आपका घर और आपका बाथरूम तालाब बनने से बच जाएगा, लेकिन आपके पानी की टंकी जरूर खाली हो जाएगी।